अफ्रीकी देश चाड की सेना ने लेक चाड के द्वीपों पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। चाड के सैनिकों की तरफ से किए गए इस ऑपरेशन में बोको हराम के 1000 लड़ाकों को मार गिराया गया है। इस मामले पर सेना के प्रवक्ता कर्नल अजीम बेर मंडोआ ने बताया, ये सैनिक ऑपरेशन कुल 8 दिनों तक चला, जहां इस लड़ाई में 52 सैनिकों की मौत हो गई, वहीं 196 अन्य सैनिक घायल हो गए। इस अभियान के तहत चाड, नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून के बीच एक बड़े क्षेत्र में अपना अड्डा जमा चुके चरमपंथियों का सफाया कर दिया गया है। ये सैनिक कार्रवाई उस हमले का जवाब है जो पिछले महीने चरमपंथियों की तरफ से किया गया था। बता दें कि बोको हराम के चरमपंथियों ने पिछले महीने घातक हमला कर चाड के 92 सैनिकों को मार डाला था। यहाँ जानना जरूरी है कि बोको हराम संगठन के चरमपंथियों का ये संघर्ष पिछले एक दशक से चलते आ रहा है। इस खूनी संग्राम में चरमपंथियों ने दसियों हजारों लोगों की जान ली है। इस दौरान इन हमलावरों ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट दुनिया तक।